हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू गेमिंग साइड। और गाइस, आज की वीडियो में हम लोग जो है वो देखेंगे कि हम लोग ग्रेप्स जो है वो कैसे हार्वेस्ट कर सकते हैं फार्मिंग सिमुलेटर 23 में, और ग्रेप्स के ऊपर किस तरह से हम लोग जो है वो काम करेंगे और ग्रेप्स जो है वो कैसे वर्क करते हैं। तो सबसे पहले ये ब्रॉड हार्वेस्टर हम बाय कर लेते हैं न्यू हॉलैंड की, जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है अगर आपने ग्रेप्स जो है वो हार्वेस्ट करने फार्मिंग सिमुलेटर 23 में। इसके बाद हम ये ट्रेलर भी जो है वो परचेस कर लेते हैं। और यहाँ पे अभी हमारे पास तीन चीज़ें पड़ी हुई हैं, सो वन बाय वन हम लोग जो है वो एक एक चीज़ मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। तो सबसे पहले हार्वेस्टर की बात करते हैं, क्योंकि सबसे ज़्यादा महंगी चीज़ है अगर आपने ग्रेप हार्वेस्ट करने हैं और उसके ऊपर काम करना है। सो जो सबसे महंगी चीज़ आप बाय करोगे वो ये हार्वेस्टर ही है। सो ये न्यू हॉलैंड की ब्रॉड 9070 हार्वेस्टर है, और इस तरह से ये कुछ जो है वो नज़र आती है। सो काफ़ी मतलब कि अमेजिंग किस्म की ये हार्वेस्टर है। अभी हम थोड़ा सा इसका इंटीरियर का लुक देख लेते हैं। सो इस तरह से कुछ गाइज ये हार्वेस्टर जो है वो इंटीरियर इसका है। सो क्योंकि ये हार्वेस्टर है तो इसमें आपको ज़्यादा विजिबिलिटी जो है वो नहीं मिलेगी। यहाँ पे कुछ दो तीन पैनल लगे हुए हैं, और यहाँ पे कुछ इस तरह से, और पीछे से भी यहाँ पे आपको इसकी जो है वो बॉडी काफ़ी ज़्यादा जो है वो नज़र आ रही होती है। सो इस तरफ से आपको थोड़ी सी बेहतर विजिबिलिटी मिल जाती है। सो गाइज़ यहाँ पे अभी मैं एक हेल्पर हायर करने जा रहा हूँ, जो कि मेरा ये ट्रेलर जो है वो ले जाएगा अंगूरों वाले जो है वो ग्रेप ऑर्चर्ड के करीब, अंगूरों वाले फील्ड के करीब। तो यहाँ पे इस तरह से करके आप लोग जो है वो AI हेल्पर भी हायर कर सकते हैं इस गेम में। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं जॉब क्रिएटेड सक्सेसफुली। तो अभी मैं इस ट्रैक्टर से जो है वो उतर जाऊँगा, तो ये AI हेल्पर जो है वो ले जाएगा इसको, और मैं अभी वापस बैठ जाता हूँ इस हार्वेस्टर में। इस हार्वेस्टर को जो है मैं ड्राइव करके वो ले कर चलता हूँ। सो यहाँ पर गाइज इस हार्वेस्टर की जो मैक्सिमम स्पीड है वो 25 किलोमीटर्स पर आवर है, उससे ज़्यादा की ये स्पीड जो है वो गेन नहीं कर सकती। सो स्टार्टिंग में अगर आपने इसको ट्रांसपोर्ट करना है तो काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक चीज़ हो सकती है आपको लगे, लेकिन गाइज एक बात तो ये है कि इसने मैक्सिमम एक ही फील्ड में काम करना है, तो आपने बार बार इसको कहीं लेफ़्ट राइट या आजू बाजू तो लेके जाना नहीं है, या ए पॉइंट से बी पॉइंट पे बार बार तो लेके जाना नहीं है। सो उस हिसाब से 25 किलोमीटर इसकी स्पीड काफ़ी से भी ज़्यादा है, लेकिन यह है कि जब आप एक दफ़ा इसको ट्रांसपोर्ट कर लोगे फिर इसका ये स्पीड का कोई इशू नहीं रहेगा। उससे पहले इसको मतलब कि अगर आपने ट्रांसपोर्ट करना है तो उसके लिए ये थोड़ा सा आप लोगों के लिए इशू हो सकता है कि ये काफ़ी ज़्यादा जो है वो स्लो है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसको भी हम लोग जो है वो ड्राइव करते हुए ले कर जा रहे हैं। सो इसमें जो है वो आपको एक चीज़ का और ख्याल रखना पड़ेगा कि जो ग्रेप्स वाली हार्वेस्टर वो अलग है, जो ऑलिव्स वाली हार्वेस्टर वो अलग है। तो आप गलत हार्वेस्टर जो है वो परचेज़ मत कीजिएगा, वरना वो काम नहीं करेगी आपके लिए। सो या सो गाइज हम पहुंच चुके हैं ऑलमोस्ट वहाँ पे, और सामने आपको जो है वो ग्रेप ऑर्चर्ड नज़र आ रहा होगा, जिसको हमने जो है वो बाय भी करना है, और उसके ऊपर ग्रेप्स अभी तो फ़िलहाल रेडी टू हार्वेस्ट हैं। सो दैट्स वाई मैंने जो है ये हार्वेस्टर बाय कर लिए। सो उसको फिर बाद में हम लोग जो है वहाँ पर ग्रेप्स को भी हार्वेस्ट कर लेंगे। सो यहाँ पर आप देख सकते हैं आपको गुच्छे जो है वो अंगूरों के नज़र आ रहे होंगे। ओ माई गॉड, व्हाट वाज दैट। सो इसके लिए हम पहले गाइज यहाँ पे इस हार्वेस्टर को प्रॉपर सी जगह पे जो है वो पार्क कर देते हैं, और ये स्पॉट मेरे को अच्छा लग रहा है। यहाँ से हम लोग जो है वो स्टार्ट करेंगे अपनी हार्वेस्टिंग ग्रेप्स की। सो इस यहाँ पे आके हम लोग जो है वो इसको थोड़ा सा प्रॉपरली जो है वो पार्क कर देते हैं, और फिर गाइज इसके बाद हम लोगों ने ये फील्ड परचेज़ भी करना है, क्योंकि अभी तक ये फील्ड मैंने बाय नहीं किया है। अभी तक ये AI इसके पास ही है। सो फील्ड नंबर 7.55 हेक्टर्स, 1,18,576 डॉलर्स गए, और फील्ड आ गया हमारे पास। तो यहाँ पे गाइज मैं इस ट्रैक्टर पे जो है वो हेल्पर हायर कर दी है, ताकि वो मज़ीद टूल्स शॉप तक पहुँच जाए, और फिर वहाँ से हम मज़ीद टूल लेके चलते हैं वापस आते हैं। तो यहाँ पे इस हार्वेस्टर को कर दिया है ऑन। तो जैसे ही आप इसको ऑन करते हैं, ये थोड़ी सी जो है वो ऊँची हो जाएगी, और इधर आप लोग जो है वो मैं आपको फ्रंट से दिखाता हूँ। सो ये कुछ इस तरह से जो है वो आप देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा ऊँची हो जाती है। और वाओ गाइस, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारे यहाँ पे ग्रेप जो है वो हार्वेस्ट होना शुरू हो चुके हैं। मुझे टू बी ऑनेस्ट अभी यकीन नहीं आ रहा कि मैं ये काम एक मोबाइल गेम में कर रहा हूँ। तो यहाँ पे मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ टेक्सचर का क्या डिफरेंट आता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ से हमने हार्वेस्ट नहीं किया, तो आपको अंगूरों के गुच्छे नज़र आ रहे होंगे, और यहाँ पर पीछे आएँगे तो ये गुच्छे जो है वो गायब हो चुके होंगे। तो ये टेक्सचर का जो है वो वाज़े फ़र्क है, तो आपको जो है वो इजीली पता चल जाएगा कि कौन सा एरिया आपने हार्वेस्ट कर लिया कौन सा नहीं। तो यहाँ पे गाइज अभी हम वापस से चालू करते हैं अपने ग्रेप्स को हार्वेस्ट करना शुरू करते हैं। सो गाइज काफ़ी ज़्यादा मतलब क्या है ना, मैं अभी
कह लो कि सरप्राइज हो रहा हूँ कि यार ये मतलब कि अमेजिंग किस्म की ये बात है कि ये ग्रेप्स हम लोग जो है वो एक मोबाइल गेम में हार्वेस्ट कर रहे हैं। तो मतलब इमेजिन करो यार, ये हर चीज़ यहाँ पे कोड हुई पड़ी है, यहाँ पे ये ग्रेप्स, ये हार्वेस्टर और इसकी फिजिक्स, हर चीज़ की या गाइज यहाँ पे कोडिंग है, और फिर 3D मॉडल्स हैं, और अबव ऑल इन सब को गाइज उन्होंने जो है वो मोबाइल प्लेटफॉर्म्स के लिए ऑप्टिमाइज़ भी करा है कि कम से कम ये जो है वो चल रही है मोबाइल के ऊपर। तो ये नहीं कि यहाँ पे गेम क्रैश हो रही है या कुछ इस तरह का इशू आ रहा है, कुछ भी नहीं है। तो इसके अलावा गाइज यहाँ पे फार्मिंग सिमुलेटर 22 में आप हेल्पर हायर नहीं कर सकते थे इस तरह की जॉब के लिए, लेकिन मोबाइल के ऊपर आप हेल्पर भी हायर कर सकते हैं। मतलब ये वाली हार्वेस्टर को हेल्पर भी ड्राइव कर सकता है। सो गाइज ये बहुत ज़्यादा वर्क है, और मैं जायंट सॉफ्टवेयर वालों की दिल से जो है वो इज़्ज़त करता हूँ कि उन्होंने इतना ज़्यादा हार्ड वर्क किया इस गेम को बनाने के लिए, और इतनी ज़्यादा इम्प्रूव जो है वो ये गेम, मतलब कि इसमें मतलब अभी क्या ही बोलूँ मैं, फार्मिंग सिमुलेटर 22 और इसमें कोई फ़र्क रह ही नहीं गया सिवाय ग्राफिक्स के। सो गाइज यहाँ पे एक और ट्रैक्टर हमें बाय करना पड़ेगा, क्योंकि वो दूसरे ट्रैक्टर बड़े हैं वो तो इसमें फिट नहीं होंगे। तो ये लैंडिनी का Rex 4 GT ये ट्रैक्टर है, तो इसको हमने जो है वो बाय कर लिया है। ये थोड़ा सा कॉम्पैक्ट ट्रैक्टर है, तो इसको हम लोग जो है वो यूज़ कर पाएंगे। जो कितारें बनी होती हैं अंगूरों की, उसके दरमियान में से ये ट्रैक्टर जो है वो गुजर पाएगा। तो उसके पीछे मैंने ये मल्चर जो है वो कनेक्ट कर लिया है। मल्चर जो है वो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है ग्रेप्स के ऊपर काम करने के लिए, और साथ ही अभी यहाँ पे हम लोग जी इसको एक बार फिर से इसके ऊपर हेल्पर लगा देते हैं, ताकि हेल्पर जो है वो इस ट्रैक्टर को ले जाए ग्रेप ऑर्चर्ड के पास। तो यहाँ पे जब भी आप हेल्पर हायर करते हो तो गेम थोड़ी देर के लिए फ्रीज़ हो जाती है। हो सकता है ये फ्यूचर पे फिक्स हो जाए, लेकिन अभी तक के लिए थोड़ा सा इशू आ रहा है कि 2-3 सेकंड के लिए गेम जो है वो फ्रीज़ हो जाती है, लेकिन उसमें कोई इशू नहीं है, वो ठीक हो जाती है, क्रैश नहीं होती, सिर्फ थोड़ी सी देर के लिए फ्रीज़ हो जाती है। सो यहाँ पे अभी हमें कुछ और इक्विपमेंट भी चाहिए, तो ये वाला हमें चाहिए जी कल्टीवेटर। सो ये वाला हम इस ट्रैक्टर के साथ कनेक्ट कर लेते हैं एंड लेट्स गो। और इन दोनों चीज़ों को गाइज अभी हम लोग जो है वो अपने फार्म के ऊपर जो है वो ले के चलते हैं। सो या लेट्स गो। सो गाइज यहाँ पे हमारी हार्वेस्टर जो है वो भर चुकी है, और यहाँ पे मैंने सोचा आप लोगों को दिखा दूँ कि जब आपकी हार्वेस्टर भर जाए तो किस तरह की इसकी एनिमेशन है, और कैसे ये ग्रेप्स जो है वो अनलोड करती है। तो ये ट्रेलर हमने यहाँ पे ऑलरेडी खड़ा कर रखा है। सो यहाँ पे हम लोग जो है वो इस हार्वेस्टर को ला के मैनुअली भी अनलोड कर सकते हैं। अदरवाइज़ यहाँ पे अगर आप हेल्पर हायर करते हो तो वो बहुत ही ज़बरदस्त काम करता है, वो हार्वेस्टर को रिवर्स में ड्राइव करता हुआ फील्ड कैच के ऊपर लेके आ जाता है। तो आपने सिर्फ उसके करीब ट्रेलर करना है और वो खुद से ही अनलोड भी कर देता है। सो ये मतलब कि ना बहुत ही ज़्यादा आसान कर दिया है ग्रेप्स के ऊपर काम करना, वरना फार्मिंग सिमुलेटर 22 में मेरा तो दिल ही नहीं करता था कि मैं ग्रेप्स को मुंह भी लगाऊं, क्योंकि इतना ज़्यादा कॉम्प्लेक्स और इतना ज़्यादा काम था वहाँ पे, हर चीज़ खुद ही करनी पड़ती थी, और बंदा एक दो जो है वो रोज़ वहाँ पे ही चक्कर लगा के जो है वो थक जाता था कि यार इस दफ़ा करो इसको, इससे बेहतर है कि मैं कुछ और ही कर लूँ। सो या तो लेकिन यहाँ पे गाइस बहुत ज़्यादा आसान कर दिया। तो यहाँ पे देख सकते हैं ये आधी लाइन इसने छोड़ दी है, तो हम लोग जो है वो दोबारा इसको यहीं पे ही हायर करते हैं। सो ये मतलब कि वापस आ गया था वहाँ से, हार्वेस्टर बड़ी थी तो इसने रिवर्स कर ली थी हार्वेस्टर को, तो ये वापस आ गया था। सो हम यहीं पे जो है वो इसको वापस से जो है वो चालू कर देते हैं। सो अभी हम इसको ड्रॉप करते हुए गाइज वहाँ पे लगा देते हैं। तो गाइज यहाँ पे जी हेल्पर जो है वो कर रहा है हार्वेस्टिंग। सो हम चलते हैं नेक्स्ट। अच्छा जी नेक्स्ट जो दो पीस ऑफ इक्विपमेंट चाहिए, एक तो उनमें से ये ट्रिमर है, तो ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप इसको यूज़ नहीं करोगे तो आपको दोबारा जो है वो ग्रेप्स नहीं ग्रो करेंगे। सो अगर आप चाहते हैं कि आपके ग्रेप्स दोबारा ग्रो करें तो आपको ये वाला पीस ऑफ इक्विपमेंट लाजमी बाय करना पड़ेगा, और इसको यूज़ भी करना पड़ेगा, क्योंकि जब आप एक दफ़ा ग्रेप्स बाय करके हार्वेस्ट कर लोगे तो उसके बाद उसकी बेलें जो है वो ऑरेंज कलर की हो जाएंगी, तो उनको आपने इसके साथ रिमूव करना है। अब क्योंकि ये ट्रैक्टर के फ्रंट से कनेक्ट हो गया है, तो क्यों ना हम साथ ही लगते हाथ ये वाला स्प्रेयर भी बाय कर लें। तो ये मरकरी का, हार्डी का मरकरी स्प्रेयर जो है वो भी हमने परचेज़ कर लिया है, इसको भी हम गाइस यहाँ पे कर लेते हैं जी कनेक्ट अपने ट्रैक्टर के साथ, और इन दोनों को ले के चलते हैं जी अपने फार्म पे। यहाँ पे हमने इस स्प्रेयर में स्प्रे जो है वो फिल करना है। सो लेट्स गो। सो यहाँ पे गाइस इसकी प्रॉबली कैपेसिटी है 4000 लीटर्स, और इसमें लिक्विड फर्टिलाइज़र जो है वो डलेगा। यहाँ पे 4000 लीटर इसमें हम लोग जो है वो लिक्विड फर्टिलाइज़र लोड कर रहे हैं। लेट्स सी कितने पैसे जो है वो इसके बनते हैं। और इसको भी गाइज आप जो है वो छोटे ट्रैक्टर के पीछे अटैच करके यूज़ कर सकते हैं, काफ़ी स्पीड से जो है वो पैसे हमारे यहाँ पे कम हो रहे हैं।
$5,760 काफ़ी ज़्यादा ही बन गए हैं कुछ, लेकिन अब क्या करें, इतने ही एक्सपेंसिव हैं यहाँ पे चीज़ें इस गेम में, सो यू कैन नॉट कंट्रोल द प्राइस। लो जी यहाँ पे हम दोनों चीज़ें ले आएँ अपने ग्रे पोर्चर्ट पे, इनको यहाँ पे कर देते हैं डिस्कनेक्ट। मेरे ख्याल से ग्रेप्स के जितने भी टूल हैं उनको मैं यहीं पे ही रखूँगा, क्योंकि बार बार जो है वो फिर मैं इनको फार्म से यहाँ पे लाने से रहा, सो यहीं पे जो है मैं पार्क कर दूँगा इनको। सो गाइज़ यहाँ पे एक ट्रेलर जो है वो हमारा फुल हो चुका है, और बैड न्यूज़ यह है कि आप ग्रेप्स को किसी भी तरह से स्टोर नहीं कर सकते, तो जब भी आपका ट्रेलर भरेगा आपको इनको जो है वो कहीं ना कहीं पे अनलोड करके आना पड़ेगा। आप इसको स्टोर नहीं कर सकते, ना आप अपनी इसको साइलो में स्टोर कर सकते, ना ही हेलोफ में। तो यहाँ पे करीब ही एक सेलिंग स्टेशन, मैं फ़िलहाल तो इनको वहीं पे सेल करने जा रहा हूँ, और क्योंकि मेरे पास कोई प्रोडक्शन नहीं है, प्रोडक्शन बिल्डिंग अभी मैंने बाय नहीं की है, वो मैं अगले गेम प्ले में जो है वो बाय करके आपको इसका ग्रेप जूस और रेजिन बना के दिखाऊंगा। सो अभी तक मैंने प्रोडक्शन बिल्डिंग जो है वो बाय नहीं की, तो मुझे इनको जो है वो सेल करना पड़ेगा। सो $19,374 बहुत ही ज़बरदस्त गाइस प्राइस है, कंसिडरिंग कि यहाँ पे अभी ये कोई बेस्ट प्राइस नहीं थी, मैंने ऑफ सीज़न पे ये सेल कर दी है। तो गाइस यहाँ पे जब आप ग्रेप हार्वेस्ट कर लोगे और थोड़ा सा टाइम गुजर जाएगा, तो कुछ देर के बाद आपकी जो ग्रेप वाइंस हैं वो कुछ इस तरह से हो जाएंगी। सो आपने ये वाला टूल अपने ट्रैक्टर के साथ कनेक्ट कर लेना है, और ये जितनी भी आपको ऑरेंज ऑरेंज सी वाइंस नज़र आएंगी इनको आपने जो है वो कट कर देना है, इसको यूज़ करते हुए इनको जो है वो ट्रिम कर देना है। सो ये गाइस बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप है, अगर आपने ये काम नहीं किया तो सारी उम्र गुजर जाएगी लेकिन आपके ग्रेप्स जो है वो दोबारा से रीग्रो नहीं करेंगे, दोबारा नहीं उगेंगे। सो आपको ये काम जो है वो लाजमी करना पड़ेगा हर सूरत में, अदरवाइज़ आपके ग्रेप्स जो है वो दोबारा से जो है वो नहीं फूटेंगे। सो यहाँ पे करते हैं जी इसको कंप्लीट। और गाइज़ मैंने अभी नोटिस किया है कि अगर आप इस वाले टूल को फर्स्ट पर्सन पर्सपेक्टिव में यूज़ करो तो बहुत ही ज़बरदस्त एक्सपीरियंस रहता है आपको। एक तो ये टूल नज़र आ रहा होता है, दूसरा आपको अपना ट्रैक्टर जो है वो भी नज़र आ रहा होता है कि वह आप सेंटर में चला रहे हो, थोड़ा सा लेफ्ट चला रहे हो या थोड़ा राइट में चला रहे हो। तो मेरे ख्याल से ये वाला टूल यूज़ करते वक्त अगर आप फर्स्ट पर्सन पर्सपेक्टिव यूज़ करोगे सो आपको इसमें काफ़ी ज़्यादा आसानी रहेगी। सो गाइज़ ग्रेप्स के रिलेटेड मैं कुछ प्रोफेशनल टिप्स एंड ट्रिक्स लेके आ रहा हूँ, जिसमें आपको जो है कुछ शॉर्टकट बताऊँगा जिससे आप जो है वो कुछ चीज़ें स्किप कर पाओगे। सो गाइज़ यहाँ पे बेल्स को ट्रिम करने के बाद नेक्स्ट जो स्टेप होगा, आप फिर थोड़ा सा टाइम स्किप करोगे, नाइट्स एक दो स्किप करोगे, सो आपके ग्रेप्स कुछ इस कंडीशन के ऊपर आ जाएंगे जहाँ पे उनके दरमियान घास उग जाएगा और जो बेलें आपने ट्रिम की होगी उनकी जगह पे नई बेलें जो है वो ग्रो कर चुकी होंगी। सो जब ये पॉइंट आ जाए तो आपने मल्चर उठाना है और जो नीचे घास उग पड़ा है उसको आपने जो है वो मल्च कर देना है। सो गाइज़ ये वाला स्टेप बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब आप ग्रास मल्च करते हो तो ये ग्रास एज अ फर्टिलाइज़र एक्ट करता है और आपके ग्रेप्स का ऑर्चर्ड का जो है वो फर्टिलाइज़र का जो वैल्यू है उसको इंक्रीज़ कर देता है। सो अगर आप ये स्किप कर दोगे तो आपके यील्ड के ऊपर इसका काफ़ी ज़्यादा जो है वो असर पड़ेगा। तो इतनी ज़्यादा मेहनत अगर आप करोगे और आपको यील्ड नहीं मिलेगा प्रॉपर तो उसका फ़ायदा कोई नहीं है। तो इसलिए ये स्टेप आप लोगों ने जो है वो लाजमी करना है, अदरवाइज़ आपका जो है वो यील्ड बहुत ज़्यादा ख़राब हो सकता है और आपकी सारी मेहनत जो है वो ज़ाया भी हो सकती है, मतलब थोड़े से ही बिल्कुल आपको जो है वो ग्रेप मिल सकते हैं। सो ये आपने लाजमी स्टेप करना है, तो ये मल्चर आपने लाजमी जो है वो यूज़ करना है। सो मल्चर यूज़ करने के बाद जो नेक्स्ट स्टेप है वो भी मैं आपको बता दूंगा। सो गाइज़ जैसे ही आप अपनी इन ग्रेप वाइंस को मल्च कर लोगे तो आपने यहाँ से ये कल्टीवेटर उठाना है और ये कल्टीवेट जो है वो करना है। सो कल्टीवेट लाजमी करना है क्योंकि ये मल्चिंग की हुई जो है वो सॉइल को मिक्स कर देता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं अभी ये मुझे यील्ड बोनस 30% जो है वो ऑन एवरेज शो करवा रहा है, कहीं पे कम करवा रहा है क्योंकि मैंने अच्छे से नहीं किया ये, लेकिन जब आप गेम खेलोगे तो आप लोग ये जो है वो अच्छे से कर सकते हो ताकि आपको जो है वो बेहतर यील्ड मिले। सो मैं यहाँ पे क्योंकि अच्छे से नहीं किया है सो यहाँ पे मेरे जो है वो डिफरेंट वैल्यूज़ बता रहा है, कहीं पे कम तो कहीं पे ज़्यादा। सो अभी हम लोग ये मल्चर यूज़ करते हैं, तो सॉरी ये कल्टीवेटर यूज़ करते हैं। तो कल्टीवेटर जो है वो उसका काम ये है कि जो आपने ग्रास मल्च किया है उसको जो है वो सॉइल में मिक्स कर देता है ताकि आपका जो है वो फर्टिलाइज़र इफेक्ट जो है वो इनक्रीज़ हो। सो यहाँ पे हम लोग जो है वो इसको प्रॉपर कल्टीवेट कर रहे हैं। सो इसको आप जो है वो बिल्कुल सेंटर में चला लोगे तो काफ़ी ज़्यादा बेहतर रहेगा, या फिर आप इसके ऊपर जो है वो हेल्पर भी हायर कर सकते हो। सो अगर आप हेल्पर हायर कर तो मेरे ख्याल से वो इससे भी बेहतर जो है वो आपके लिए काम कर देगा। सो लाजमी नहीं है कि ये सारा काम जो है वो आप ही करो, आप दो ट्रैक्टर भी बाय कर सकते हो जो कि एक ही टाइम के ऊपर दो काम जो है वो कर सकते हैं, एक आगे आगे मल्च करता जाए दूसरा उसके पीछे पीछे, ये वाला जो है वो
कल्टीवेटर यूज़ करता जाए तो आपका जो टाइम भी इससे जो है वो काफ़ी ज़्यादा बच जाएगा और आपको जो है वो ज़्यादा फिर वेट भी नहीं करना पड़ेगा। तो गाइज़ यहाँ पे ये हो चुका है जी डन, और अभी हम लोग बढ़ते हैं जी अपने अगले स्टेप की तरफ से कि अगला स्टेप जो है हमारा क्या होगा। सो गाइज़ अगला स्टेप ऑब्वियसली इस वाले स्प्रेयर को आपने यूज़ करना है, और इसको यूज़ करते हुए आप जो है वो अपने ग्रेप यार्ड को जो है वो फर्टिलाइज़ कर सकते हैं। यहाँ पे भी अगेन आप एक हेल्पर हायर कर सकते हैं जो कि आपके लिए सारा काम कर देगा, और आप मल्टीपल ट्रैक्टर यूज़ कर सकते हैं। तो दो अगर आप ट्रैक्टर यूज़ करोगे तो आप ये काम जो है वो ज़्यादा जल्दी कर सकते हो, दो ट्रैक्टर और दो क्या बोलते हैं उसको स्प्रेयर बाय करके। तो यहाँ पे अब मैं दिखाता हूँ कि कितने परसेंट जो है वो यील्ड इंक्रीज़ हुआ है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं गाइस, इसको यूज़ करने के बाद हमारा यील्ड जो है वो 100% पे हो गया, मतलब अभी कुछ ऐसी चीज़ रह नहीं गई जो हमने ना की हो। तो यहाँ पे अगर कम ज़्यादा दिखा रहा है तो वो इसलिए दिखा रहा है क्योंकि मैंने कई जगहों के ऊपर जो बिल्कुल ही जान चढ़ाई है, क्योंकि मैं एक काइंड ऑफ ट्यूटोरियल बना रहा हूँ। सो कई जगहों पर यहाँ पे आप देख सकते हैं ग्रास मुझसे जो है वो छूट गया है, सो उस वजह से भी जो है वो थोड़े से मसले मिसाइल यहाँ पर आ रहे हैं। सो यहाँ पे गाइज़ अभी चलते हैं हम, इसके बाद जो है वो गाइज़ मैं आपको दिखाता हूँ कि अगला स्टेप जो है वो हमारा क्या होने वाला है। तो यहाँ पे जो है वो वापस इस स्प्रे को जो है वो चालू कर देते हैं और इसको जो है वो हम स्प्रे करते हैं। सो गाइज़ यहाँ पे जब आप सारे स्टेप अच्छे तरीके से कंप्लीट कर लोगे तो आपको मिलेंगे यहाँ पे खूबसूरत किस्म के ग्रेप्स, जिसके ऊपर आपको 100% यील्ड मिलेगा। सो अगर ये तभी पॉसिबल होगा अगर आप तमाम स्टेप्स जो है वो अच्छे से फॉलो करोगे। सो गाइज़ कैसा लगा आपको ट्यूटोरियल? मैं उम्मीद करता हूँ कि मैंने आपको अच्छे से समझा दिया होगा कि आप कैसे ग्रेप्स के ऊपर काम कर पाओगे फार्मिंग सिमुलेटर 23 में। इस ट्यूटोरियल के रिलेटेड या वीडियो के रिलेटेड या जनरल कोई भी क्वेश्चन हो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, बाय बाय।